नमस्कार द नगरी न्यूज के सेहतनामा कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मेरे साथ आज डॉक्टर मनीष अग्रवाल मौजूद हैं। डॉक्टर मनीष अग्रवाल SMS हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के यूनिट हेड है और प्रोफेसर हैं। आज हम न्यूरो से संबंधित जो बीमारियां हैं उनके बारे में जो बात करने वाले हैं, यहाँ पर खासकर जो ट्यूमर्स होते हैं उनके बारे में आज बात करेंगे। मनीष अग्रवाल जी से जानना चाहेंगे कि ट्यूमर्स जो बीमारी है, आमतौर पर कई अवधारणाएं उसको लेकर मरीजों के मन में भी रहती है और लोगों के मन में भी रहती है, तो वो आज सभी जो डाउट है वो यहाँ पर क्लियर करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। ब्रेन ट्यूमर का नाम आता है तो मरीज तो घबराता ही है, आम लोग भी कई बार घबरा जाते हैं। जानना चाहेंगे क्या कुछ है ये ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर्स बेसिकली ब्रेन के अंदर जिस प्रकार से शरीर के अन्य हिस्सों में ट्यूमर्स होते हैं उसी प्रकार से ब्रेन के अंदर भी ट्यूमर हो जाते हैं। अब ट्यूमर जो है जो होता है इसको नाम सुनते ही लगता है कि भाई ये क्या चीज है। तो ट्यूमर एक गांठ है जो कि ब्रेन के अंदर होती है और उसका इलाज किया जाता है। तो जब अपन ये सोचते हैं कि भाई ट्यूमर है तो अब आम व्यक्ति को कैसे पता चले कि उसको ट्यूमर है, तो उसको ये देखना चाहिए कि भाई किस तरह की उसको समस्याएं हो रही हैं। जैसा कि जैसे सर में दर्द होना, उल्टियां आना, नींद के अंदर परेशानी आना, हाथ पैर के अंदर सूनापन आना, या लकवा ग्रस्त होना, या मिर्गी के दौरे आना, ये सब शुरुआती सिम्टम्स होते हैं कई सारे ब्रेन ट्यूमर्स के। और यदि इस प्रकार के सिम्टम किसी भी व्यक्ति को होते हैं तो उसको तुरंत अपने किसी न्यूरो संबंधी डॉक्टर से या जिस भी डॉक्टर से वो सलाह लेते हैं उनसे संपर्क करना चाहिए। आमतौर पर सर बातचीत होती है कि जैसा आपसे सिम्टम्स के बारे में बताया, लेकिन लोगों के मन में ये भी अवधारणा होती है कि ट्यूमर्स होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। कई बार कैंसर वाला ट्यूमर भी होता है, कई बार नॉन कैंसर ट्यूमर भी होता है, तो इसके बारे में थोड़ा क्लेरिफिकेशन। आमतौर पे पब्लिक में इस तरह की अवधारणा है कि ब्रेन ट्यूमर है तो वो एक प्रकार का कैंसर है, पर ऐसा नहीं होता है। ब्रेन ट्यूमर के अंदर कई सारे ट्यूमर्स इस प्रकार के होते हैं जो कि नॉन कैंसरस भी होते हैं और कैंसरस भी होते हैं। जो कैंसरस ट्यूमर्स हैं उसके लिए भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ग्रेडिंग सिस्टम है, जिसके अंदर कम कैंसर वाले जिनको अपन ग्रेड 1 ट्यूमर्स कहते हैं और ज़्यादा कैंसर प्रॉपर्टी वाले जिनको अपन ग्रेड 4 ट्यूमर्स कहते हैं अकॉर्डिंग टू WHO क्लासिफिकेशन। तो इनकी ग्रेडिंग के हिसाब से इनका इलाज होता है। सर आमतौर पर जैसे आपने बताया कि ट्यूमर किस प्रकार के होते हैं, जो नॉन कैंसर ट्यूमर्स होते हैं क्या उसका समाधान ऑपरेशन होता है या फिर वो दवाइयों से भी ठीक किया जा सकता है? देखिए जो नॉन कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं वो जनरली ब्रेन को इन्फिल्ट्रेट नहीं करते हैं, मतलब ब्रेन टिश्यू को वो इन्वॉल्व नहीं करते हैं, प्रेशर डालते हैं, उस प्रेशर की वजह से पेशेंट को सिम्टम आते हैं। तो आमतौर पे जो जैसे पिट्यूटरी ट्यूमर है तो वो अब पिट्यूटरी ट्यूमर बिल्कुल ब्रेन के बेस में स्थित होता है, लेकिन उसको नाक के द्वारा इलाज किया जा सकता है और इनका ऑपरेशन के द्वारा कंप्लीट रिमूवल संभव है। जैसे मेनिंजोमा है तो मेनिंजोमा ब्रेन के ऊपरी हिस्से में भी हो सकते हैं, निचले हिस्से में भी हो सकते हैं, और कई सारे मेनिंजोमा ऐसे होते हैं जिनको पूरी तरह से ऑपरेशन करके निकाला जा सकता है और 10-10 15-15 साल तक पेशेंट को बिल्कुल ट्यूमर फ्री लाइफ रहती है। तो मेरी राय यह है कि जो ट्यूमर्स आपके सर्जन के हिसाब से सर्जरी के लिए ठीक है उनको ऑपरेट कराना चाहिए, क्योंकि वो अगर वहाँ पड़ा रहेगा तो धीरे धीरे बड़ा होगा और बड़ा होगा तो आपके ब्रेन को नुकसान पहुँचाएगा और आपके सिम्टम्स और ज़्यादा बढ़ेंगे। सर ये तो नॉन कैंसर ट्यूमर की बात हुई, कैंसर वाले जो ट्यूमर होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं और इनका इलाज किस तरह से होता है? जैसा मैंने आपको बताया कैंसर जो ट्यूमर होते हैं ब्रेन के उनकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रेडिंग कर रखी है, ग्रेड 1 से लेकर के ग्रेड 4 तक के ट्यूमर्स होते हैं। और ये ट्यूमर जो ग्रेड 4 ट्यूमर्स होते हैं ये तेजी से बढ़ने वाले होते हैं, ब्रेन का डिस्ट्रक्शन करते हैं, ब्रेन टिश्यू को इन्वॉल्व करते हैं, तो इनके लिए ऑपरेशन करना आवश्यक होता है। क्योंकि जब तक अपन ऑपरेशन करके ट्यूमर के टुकड़े की पैथोलॉजी जांच नहीं कराएंगे तब तक अपने को उसकी ग्रेडिंग लेवल का पता नहीं चलेगा। और इनके अंदर ग्रेड 1 से ग्रेड 4 में अलग अलग डिजीज फ्री सर्वाइवल लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबकी अलग अलग है, तो वो ऑपरेट होकर के और वो चीज होना बहुत जरूरी है।
अब सर ये तो ऑपरेशंस की बात की, क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे नॉन कैंसर ट्यूमर की जिस तरह से हमने बात की, तो क्या वो दवाइयों से भी ठीक किया जा सकता है? लोगों के मन में अवधारणा है कि आमतौर पर अगर सिर में ट्यूमर हो गया, ब्रेन में ट्यूमर हो गया, तो उसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन नहीं, क्या दवाइयों से भी ये ठीक हो सकता है? नहीं, दवाइयों से ट्यूमर का इलाज करना अभी हाल ऐसा कोई संभव नहीं है, लेकिन जब अपन ऑपरेट करके और ट्यूमर की बायोप्सी करते हैं तो उसके बाद में अपने पास में सपोर्टिव थेरेपीज होती हैं, जैसे कि रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, लेकिन वो जब तक ट्यूमर की ऑपरेशन होकर के बायोप्सी के द्वारा ग्रेडिंग नहीं होगी और उनके कई सारे इंडेक्स होते हैं, उनके आधार पे कितनी रेडियोथेरेपी देनी है, कितनी कीमोथेरेपी देनी है, ये सब चीज़ें उसी आधार पे तय की जाती है। इसका ऑपरेशन भी इलाज भी काफ़ी लंबा होता होगा शायद? इलाज लंबा होता है, लंबे समय तक जो है पेशेंट को फॉलोअप में रहना पड़ता है, अपने डॉक्टर के अनुसार जो उसका ट्रीटमेंट है वो लेना पड़ता है, समय समय पर यदि ज़रूरी हो तो दोबारा जाँच करा के देखनी पड़ती है। ये सब चीज़ें पेशेंट की जो सिम्टोमेटोलॉजी है, किस तरीके से वो प्रोग्रेस कर रहा है, इसके आधार पर ये सब ट्रीटमेंट तय होता है। कई बार सर कई बार ये भी आता है कि ब्रेन में जो खून का थक्का है वो जम जाता है, तो ब्रेन हेमरेज भी कई बार इस तरह से हो जाता है, तो क्या किसी तरह से जो ट्यूमर है इससे रिलेटेड है वो चीज़? हाँ, कई बार जो बहुत एग्रेसिव ट्यूमर्स होते हैं, जो हाई ग्रेड के ट्यूमर्स होते हैं, वो सडन ब्लीडिंग के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ ट्यूमर जो कि बिनाइन है, मतलब कि नॉन कैंसरस है, वो भी कई बार सडन ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ट्यूमर्स। तो ये एक एंटिटी है जिसको पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पिट्यूटरी ट्यूमर है, छोटे से ट्यूमर में अचानक तेजी से ब्लीड होता है और पेशेंट जो प्रेजेंट करता है वो सीवियर हेडेक, और कई बार क्या होता है उससे आंखों की नस दब जाती है, तो एकदम से विजन चला जाता है पेशेंट का। तो ऐसे टाइम पे तुरंत उसका डायग्नोसिस होना और इसका ऑपरेशन के द्वारा इलाज होना जरूरी है, जिससे कि पेशेंट की आंख की रोशनी बचाई जा सके। सर ये तो बात की हमने इलाज की, ऑपरेशंस की, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी काफी सतर्कता बरतना जरूरी होता है, तो ऑपरेशन के बाद मरीज को किन चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है? देखिए, ऑपरेशन के बाद में सबसे जरूरी तो ये है कि जो आपको डॉक्टर ने ट्रीटमेंट एडवाइस किया है वो अपने को बिल्कुल एज इट इज फॉलो करना है, क्योंकि ब्रेन के जो ट्यूमर्स होते हैं वो मिर्गी की बीमारी करने के लिए जाने जाते हैं। मिर्गी का दौरा किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के लिए खतरनाक हो सकता है, तो जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको एडवाइस किया गया है वो आपको लेना होता है। उसके बाद में जो सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट होना है, यदि मान लीजिए अगर आपके ग्रेड 4 ट्यूमर है तो उसके अंदर आपको रेडियोथेरेपी की ज़रूरत है, तो रेडियोथेरेपी टाइम से लगनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो अगर मान लीजिए ट्यूमर रिकरेंस होनी है तो वो डिले हो जाती है, और पेशेंट का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, डिजीज फ्री सर्वाइवल है, वो बढ़ जाता है। सर हमने सब कुछ बात की, लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर ब्रेन की सर्जरी या ट्यूमर्स के इलाज को लेकर किस तरह की तकनीकी इजाद की गई है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे? हाँ, देखिए, पहले क्या था कि कई सारे डिजिटल गैजेट्स वगैरह कम हुआ करते थे। आज की तारीख में इतने डिजिटल गैजेट्स हैं कि जो एक भ्रांति है कि अब पूरी खोपड़ी खुल जाएगी, ऐसा आजकल जरूरत नहीं होती है, ऐसा बहुत कम ट्यूमर्स के लिए ज़रूरत होती है। बहुत सारे डीप सीटेड ब्रेन ट्यूमर्स हैं, उनको हम न्यूरो नेविगेशन के द्वारा, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के द्वारा, माइक्रो सर्जरी के द्वारा, छोटे इंसिजन, छोटे होल्स बना करके भी इनका ऑपरेशन किया जाता है। आजकल एंडोस्कोपिक तकनीक जो है वो काफ़ी एडवांसमेंट की तरफ है। अभी पहले 2D एंडोस्कोप आया करते थे, अब 3D विजन के एंडोस्कोप आने लग गए हैं, तो वो जब एंडोस्कोप ब्रेन के अंदर जाता है तो प्रॉपर 3D विजन दिखाता है और सारा कुछ ट्यूमर की एनाटॉमी वगैरह सब कुछ दिखती है, और मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी के द्वारा उन ट्यूमर्स को निकाला जा सकता है। सब में ये संभव नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे ट्यूमर्स हैं जिनको कि मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी के द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है। मतलब बड़ी सर्जरी करने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी सर्जरी करके भी आज वो ये संभव है, लेकिन सब में नहीं है। कुछ ट्यूमर्स के अंदर बड़ा ऑपरेशन ही होता है, लेकिन कुछ ट्यूमर्स के अंदर छोटे छोटे इंसिजन, छोटे होल्स, इनके द्वारा भी इलाज संभव है।
बिल्कुल मनीष अग्रवाल जी ने हमको बताया ट्यूमर्स के बारे में, बताया कैंसर और नॉन कैंसर ट्यूमर्स के बारे में हमको बताया, काफ़ी कुछ जानकारी इन्होंने यहाँ पर दी और हमें आशा है कि आपको जो है जानकारी यहाँ पर मिली होगी इलाज से संबंधित, उपचार से संबंधित और किन चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, ये तमाम तरह की बातें हैं इनको लेकर आज हमने यहाँ पर चर्चा की है। आप बने रहिए सेहतनामा कार्यक्रम में, मैं हूँ आदित्य।